जय स्वामी नारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेयर में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्र स्टार्ट हो गए तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत मंगल कामनाएं आप लोगों के लिए। और आज का जो हमने वीडियो प्लान किया है दोस्तों, आप देख रहे हो गए, ये बहुत सुंदर सी येल्लो से कलर की पॉपकॉर्न जैसी खाद अपन लेके बैठे हुए हैं, येल्लो कलर की है। और ये कुछ पॉट्स भी रखे हैं, जैसे इसमें सीड पॉड है, इसमें फटा हुआ फ्लावर है। तो दोस्तों अपन ये खाद देख ही रहे हैं, तो आज का अपना टॉपिक इस खाद के बारे में। इस खाद को जो है कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं, बोरोनेटेड वाली। तो मैंने मार्केट में पता किया तो काफ़ी कुछ मुझे पता चला इस खाद के बारे में, और मुझे लगा कि अपने एडेनियम्स के लिए बहुत काफ़ी कुछ ये बेनिफिशियल हो सकती है। मैंने अभी तो काम में नहीं लिया इसको एक बार भी, मगर जिस हिसाब से मेरे को इसके बेनिफिट्स बताए गए मार्केट में किसानों के द्वारा भी, तो मुझे लगा कि ये अपने एडेनियम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी खाद। तो कैसे कैसे बेनिफिशियल रहेगी, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या कुछ इसमें अपने को फ़ायदा मिलेगा एडेनियम में डालने के लिए, तो उसी के बारे में आज का वीडियो हमने प्लान किया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों वीडियो आज का अपन सबसे पहले शुरू करते हैं। और सबसे पहले जैसा मुझे इसके बारे में बताया गया था, इसकी सॉल्युबल, ये 100% वाटर सॉल्युबल होता है। इसमें बोरोन भी है, कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन भी है। तो अब हम बात करें कि इसकी कॉम्बिनेशन कैसी क्या है। दोस्तों इसके अंदर 15.5% तो नाइट्रोजन है, 18% जो है 18% कैल्शियम है, और 0.3% इसके अंदर जो है बोरोन है। तो अपन जैसे अलग अलग इनके बारे में बेनिफिट के बारे में डिस्कस करें, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है नाइट्रोजन का, आप लोगों को सबको पता ही है, वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी करवाने में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवाइड होते हैं पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। दूसरा बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या करता है, प्लांट के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में जैसे अपन सबसे पहले जो लेते हैं नाइट्रोजन लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं और पोटाश है, ये तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके बाद में जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आते हैं उसमें जो पहला नंबर आता है वो कैल्शियम का ही आता है। तो पौधे के लिए जैसे एन पी और के इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जो है कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है फर्टिलाइज़र होता है प्लांट के लिए। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम ये किया है। इसके अलावा फ्रूट सेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, कैल्शियम नाइट्रेट जो बोरोनेटेड है। इसके बेनिफिट्स की अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे अपने फटा हुआ फ्लावर देख रहे हैं, ये बहुत कॉमन कारण होता है कि बोरोन की कमी की वजह से। तो बोरोन की कमी तो एक हो गई, प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी रहती है, या कैल्शियम की कमी भी अगर रहेगी तो टॉप जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी और लीव्स में बर्न वाले स्पॉट्स हो जाएंगे। तो उस तरीके से जो है कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोरोन जो है फ्लावर के अंदर जो कलर्स आते हैं और फ्लावर का साइज़ है, फ्लावर में जो ये जो जैसे फट गया है, ये बोरोन की कमी के साइन होते हैं कि फ्लावर जो है अपने फट जाते हैं, या सीड पॉड होता है और सीड पॉड में जैसे सीड्स हैं वो 100% राइपन नहीं हुए, मतलब सारे सीड नहीं पके। कई बार अपन ने देखा होगा, अपन सीड पॉड खोलते हैं और उसके अंदर जो है कुछ बीज जो है कच्चे ही रह जाते हैं, जिनकी जर्मिनेशन पावर नहीं होती, तो उनको भी जो है सही करने का काम जो होता है ये कैल्शियम नाइट्रेट का होता है, बोरोनेटेड का। मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने अगर यूज़ किया हो तो मुझे इसके आप बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसे क्या रिजल्ट मिले। मैं अभी ट्रायल करूँगा और ट्रायल करके देखता हूँ मैं भी कि कितना क्या बेनिफिशियल अपने एडेनियम्स के लिए रहता है, क्योंकि एडेनियम में मेनली फ्लावर हो गया, सीड पॉड हो गया, और सीड पॉड आपको पता है कि काफ़ी वैल्यू वाले होते हैं एडेनियम के सीड्स। जैसे ये तो देसी वेराइटी है, अगर ओबिस जो अपना ग्राफ्टेड उसमें आ जाए सीड पॉड मल्टी पेटल वाले में, या अपनी जो अरेबिकम की वेराइटीज़ होती हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो उस केस के अंदर जो है ये कैल्शियम नाइट्रेट बोरोनेटेड बहुत काम का रहता है। और अपन इसको घोल के देख लेते हैं, जैसे अपन ये ले लिया आधी चम्मच के करीब, कि इसको जैसे सॉल्युबिलिटी मेरे को बताई गई थी, और अपन इसको चेक करते हैं कि ये घुलता कितना आ गया। तो दोस्तों ये घुल रहा है धीरे धीरे, और मिक्स मैं कर रहा हूँ इसको। इसको दोस्तों फोलियर स्प्रे के लिए भी आप काम में ले सकते हैं, फोलियर मतलब जैसे पत्तों के ऊपर अपन जो स्प्रे करते हैं उसमें भी काम करता है, और
अपन जैसे 10 दाने 5 दाने डाल दिए पर पॉट, इसकी डोज जो है 5 दाने सफिशिएंट है, 5 दाने अपन ने डाले पॉट में और अपन ने पानी पिला दिया। तो ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से क्या है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये घुल नहीं रही। थोड़ी सी अपन गुड़ाई करी हल्की सी, 5 दाने डाले और 5 दाने डाल करके और जो है अपन अपने पॉट के अंदर पानी पिला दें, शाम के टाइम डालिए, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों ये आप देख पाएंगे कि ये जो है लगभग जो है 100% सॉल्युबल हो गई। 2 दाने बाकी हैं, वो भी अपन जैसे मिक्स करेंगे तो ये 100% जो है जैसा बताया गया था दुकानदार के द्वारा कि ये वाटर सॉल्युबल है 100%, तो 100% वाटर सॉल्युबल है। इसमें कहीं पे भी ऐसा प्रेसिपिटेट या इस तरीके का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है आपको। मैं ये 2 दाने और मैं मिक्स कर लेता हूँ, एक बार रुकिए आप, और फिर आपको जो है कैमरे में मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मिक्सअप हो गया है सारा अपना, और थोड़ा सा जो है ये देखिए जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है अपना लिक्विड बना है और सारा जो है अपना फर्टिलाइज़र मिक्स हो गया है। तो अपने को सिंपली क्या करना है, 5 दाने डालने हैं अपने पॉट में और पानी पिला देना है, जिससे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी प्लांट में, बोरोन की डेफिशिएंसी को कवर करेगा। और जैसे अपन प्रोम लेते हैं तो प्रोम में क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रोम में बहुत कम नाइट्रोजन होता है। तो उस केस में अगर आप प्रोम लेते हैं, DAP नहीं लेते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन इसके अंदर अवेलेबल होती है, क्योंकि अभी तो बारिश तो बंद होगी और बारिश बंद होने के बाद में जो है नाइट्रोजन तो मिल नहीं रहा प्लांट्स को। तो आप प्रोम अगर काम में लेते हैं तो ये खाद आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों ओवरऑल जो है ये जो फर्टिलाइज़र है ये फ्रूट्स के लिए और सीड पॉड के लिए, मतलब जो फ्रूट है इसका और फ्लावर जो है इसका उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो दोस्तों आज ये छोटा सा वीडियो था, मुझे अच्छी कुछ फर्टिलाइज़र मिली, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसके बारे में मैं अपन बेनिफिट्स थोड़े से डिस्कस करें। और हमेशा डोज़ का अपन ध्यान रखें कि एक्सेस के बजाय जो है केमिकल में कम ज़्यादा अच्छी होती है। आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र कभी भी केमिकल नहीं डालें, केमिकल जो है प्लांट को और ज़मीन को हार्म करते हैं। तो जब भी आप डालें माइनर कम क्वांटिटी में अगर फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं केमिकल वाला, तो आपके प्लांट के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। और जैसे आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो वो बर्निंग भी कर सकता है, क्योंकि इनके केमिकल जो फर्टिलाइज़र होता है इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, अक्षर प्लांट एंड प्लांट एयर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।